हेलो यारो, की हाल चाल है। वेलकम बैक टू जिम सिमुलेटर। तो अभी मैं आ चुका अपने डेविल जिम पर। तो सर एक बार मैं तुम लोगों को अपने जिम का टूर दे देता हूँ। ये अपना जिम डेविल जिम, जिसके ऊपर मैंने एक लोगो लगा रखा बुल वाला। और इस साइड पे देखो, तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी महंगी से महंगी कैसा ट्रेडमिल एंड महंगी से महंगी साइकिलिंग वाली मशीन। और कहीं सर इस साइड पे कहीं सर हमारा एक विटामिन बार है, जहाँ पर काफी सारे लोग हैं सर खाने पीने की चीजें वगैरह रख सकते हैं। ऑलरेडी फिलहाल रख नहीं सकते, मतलब लोगों को यहाँ से खाने पीने की चीजें मिलेंगी। ऑलरेडी फिलहाल ये सारा सामान है, मैं दोबारा फिल कर देता हूँ। और इस साइड पे कैसा मैंने नई चीजें लगा दी, यहाँ पे दो मैंने वेल्डिंग मशीन लगा दी, जिनके अंदर काफी सारा खाने का सामान है। और मतलब वे प्रोटीन वगैरह भी है, बीसीए वगैरह एंड अलग अलग चीजें प्रोटीन वगैरह की, वो लोग यहाँ से खरीद सकते हैं आराम से। और कैसा फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करे, मैंने यहाँ पे टाइल्स वगैरह नई वाली लगा दी है और कुछ यहाँ पे नए नए पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं। ये तो मैंने लास्ट एपिसोड में कर दिया था, ये वाली रूफ मैंने चेंज कर दी थी। ऑलरेडी फिलहाल यहाँ पे मैंने दो दो योगा मैट लगा दिया। कैसे फिलहाल तुम लोगों को इस साइड में चल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यारो, यहाँ पे मैंने एक बाथिंग एरिया लगा दिया, मतलब यहाँ पे लोग आराम से जिम के बाद नहा के जा सकते हैं। और इस साइड पे हमारे लिए एक लॉकर रूम है, यहाँ पे लोग अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तीन ये वाले चेंजिंग रूम कर दिए। और इस साइड पे हमारा स्पा है, इस साइड पे हमारा स्टीम बात एरिया है। सेम टू सेम यही चीज मैंने लेडीज वाली साइड पे भी बना रखी है। यहाँ पे बाथिंग एरिया है, यहाँ पे स्पा का है, यहाँ पे स्टीम बात है, यहाँ पे तीन तीन लॉकर रूम है। और ये मतलब लॉकर वाला ये है, और यहाँ पे तीन ड्रेस चेंजिंग वाला रूम है। और गाइस यार ये देखो, हमारे जिम के अंदर अभी काफी सारे नए कस्टमर यहाँ पे आने दिन के समय स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले इन दोनों को मेंबरशिप वगैरह यहाँ पे दे देते हैं। ऑलरेडी फिलहाल एक ही बंदा बचा है, इसको आई थिंक तो लो क्लास क्यों ले रहे हो यार, कल तक तो बहुत ज्यादा बंदा वीएपी ले रहे थे। ऑलरेडी मैक्स दोबारा जा पहले, ऑलरेडी मैक्स अपना बाहर आ चुका है। हाँ बस ठीक है, इधर बैठ जा, ठीक है, एकदम पूरी सुरक्षा करनी है। गाइस देखो यारो, अभी मेरा लेवल हो चुका है 9, ठीक है। और मेरे पास आज गए इधर अपने जिम के पास, मेरे पास एक बॉक्सिंग क्लब है, मैंने यारो एक बॉक्सिंग क्लब भी बाय कर रखा है। और उसके साथ गए सर अभी मेरे को आज जो मेन अपना काम है ना, वो मेरे को यहाँ से बाय करना है अपने लिए एक सेकंड जिम। और गाइस सर इसके अंदर पता नहीं फिलहाल क्या क्या होने वाला है। गाइस सर इससे इतना मेरे को पता है कि हमारे जिम की जो स्पेस है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी फिलहाल यहाँ पे हमारे सारे के सारे काम करने वाले बंदे आ चुके हैं। इधर मेरे पास दो दो क्लीनर है, एक इधर है और दूसरा पता नहीं कोई सफाई वगैरह कर रहा होगा। ऑलरेडी मेरे पास $27,000 हो चुके हैं। लेट्स गो, 3 2 1 लेट्स गो यारो। फिलहाल मैंने ये वाली जगह भी यहाँ पे बाय कर लिया। ऑलरेडी फिलहाल यारो ये देखो, हमारा जिम का एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसको मेरे को हैमर यूज करना होगा इसके लिए। ऑलरेडी फिलहाल आई थिंक सो यहाँ पे हमारे लिए कोई और नया एरिया भी यहाँ पे अनलॉक होने वाला है। लेट्स गो, एक काम करते हैं, अभी मेरे को ये वाली दीवार यहाँ पे तोड़नी होगी, लेकिन टूटेगी से ओके हैमर से। लेट्स गो यारो, फिलहाल मैं ये दीवार यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ बहुत इजीली। लेट्स गो, थोड़ा तोड़ो भाई, तोड़ो ये दीवार, तोड़ो भाई बीच की। लेट्स गो, अपना जिम यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तोड़ दो भाई पूरी पूरी दीवार, तोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना इधर, ठीक है। इसको टूट चुकी है दीवार भी ऊपर से भी। ये बात आ ये, लेट्स गो, ये भी तोड़ो बड़े बड़े पीस, इसको उठा। अरे अरे अरे, ये तो मेरे जिम के अंदर जा रहे भाई, इनको कैसे हटाऊंगा मैं, रुको जरा। ये आई थिंक सो सर सफाई के थ्रू आई थिंक सो साफ हो जाने चाहिए जाता मेरे को लग रहा है। लेट्स गो, पहले मेरे को हाथ लेना, ये वाला ये कैसे हटेगा है यार। दीवार यहाँ पे टूट चुकी है और अभी मेरे को ये वाला एरिया भी अनलॉक करना होगा। लेट्स गो, इसको भी यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं। इसके पार क्या होने वाला है फिलहाल मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जो भी होगा मस्ती होने वाला आई थिंक सो। एक काम करते हैं, जल्दी से इसको ब्रेक कर देते हैं और तुम लोग गेस मारोगे इसके पार होने के वाला। वैसे मेरे को कुछ मालूम तो नहीं है, बाकी देखेंगे। आई थिंक सो यहाँ पे कोई और वॉशरूम वगैरह होगा, यहाँ तो कोई तो बड़ा एरिया अनलॉक होने वाला है हमारे लिए। ऑलराइट, सारे के सारे प्लैंक यहाँ पे हट चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास अनलॉक हो चुका है एक स्विमिंग पूल। लेट्स गो यारो, यहाँ पे हमारे पास एक नया स्विमिंग पूल आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। रुकिए जरा, इसको सफाई करनी पड़ेगी। लेट्स गो, साफ तो इसको बाद में करते रहेंगे यारो। यहाँ पे स्विमिंग पूल आ चुका है और ये क्या है, ओके फिलहाल मैं इससे पूल को फिल कर सकता हूँ। लेट्स गो यारो, यहाँ पे पूल के अंदर पानी फिल होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज्यादा यारो ये मस्त लग रहा है। लेट्स गो, यहाँ पे पानी फिल होना ये देखो काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। इस साइड पे कपड़े चेंज करने के लिए एरिया है, यहाँ पे मेरे को लगाने होंगे वाटरप्रूफ वगैरह। गाइस सर यहाँ पे मेरा भी बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। लेट्स गो यारो, एक काम करते हैं, अभी अपने जिम के लिए कुछ नए ट्रेडमिल्स वगैरह बाय कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, मैं 4 या फिर 5 बाय कर लेते। 5 ट्रेडमिल मैंने यहाँ पे और बाय कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात होने वाली। लेट्स गो, मेरे पास यहाँ पे और 5 ट्रेडमिल आ चुके हैं, मतलब और भी ज्यादा से ज्यादा बंदे यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी आराम से। लेट्स गो, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। एक और ट्रेडमिल लग चुका है अपना, और इसी के बाजू में मेरे को लगाना है एक और ट्रेडमिल, ये लगने वाला है यहाँ पर। लेट्स गो, इसको थोड़ा पीछे करके यहाँ पे एक और ट्रेडमिल, एक और ट्रेडमिल इधर इसके बाजू में एकदम से। लेट्स गो, 1 2 एंड 3। लेट्स गो यारो, फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे ट्रेडमिल यहाँ पे लगा दिए। और भाई यार ये जो ट्रेडमिल है ना, बहुत ज्यादा मस्त लग रहे हैं। अभी मेरे पास इन्वेंटरी में
और कोई ट्रेडमिल वगैरह तो नहीं है। वैसे मेरे को साइकिलिंग वाले भी सारे के सारे यहाँ पे इस साइड पे लाके लगाने होंगे और मेरे पास अभी सिर्फ $500 है जो कि बहुत ज्यादा कम है। सबसे पहले इनको ना मेंबरशिप वगैरह दे देते हैं। मेरे को ना अपने जिम के लिए भाई कम से कम 150-200 बंदा तो चाहिए होगा, मैंने 200 या फिर 400-500 बंदे चाहिए होंगे यार जिम के अंदर, तो ही मेरी ज्यादा मतलब कमाई होने वाली है। और अभी हमारे जिम के अंदर टोटल मेंबर है 105, मतलब ज्यादा यार 200-400 तो चाहिए होंगे यार बंदे। इसको मैं लगाने वाला हूँ इस साइड पे, ठीक है लेट्स गो। ये लग गई यहाँ पर, लेट्स गो। तीन मशीन ये वाली लग चुकी है और मेरे को यहाँ पे ना काफी सारे साइकिल वगैरह भी लगाने होंगे और ये वाली जो है ना इनको मैं अलग जगह पे लगाने वाला हूँ, लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे बंदे यार यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करके भी इधर साइड पे आ चुके हैं और ये वाले मेरे को दरवाजे से हटाने होंगे। बंदे ने हटाए नहीं यार, मेरे को लगा वो हटा देगा ऑलरेट। प्लस स्विमिंग पूल अपना जो है वो पूरा पूरा इससे पानी से भर चुका है, लेट्स गो। अभी एक काम करते हैं, मेरे को ना यहाँ पे ये जो योगा वाले मैट्स है ना वो भी लगाने होंगे, वो भी इस साइड पे लगाऊंगे योगा वाले मैट्स। ओके एक काम करते हैं, योगा मैट्स ना इस साइड पे लगा देते हैं। ये उठाओ, इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पहला योगा मैट जो है ना वो यहाँ पे लगने वाला अपना, ठीक है। पहला योगा मैट लग गया यहाँ पर, लेट्स गो। इसके ऊपर लगा देते हैं, ये लगे अपना पहला योगा मैट एक ब्लॉक छोड़ के, और दूसरा मैं लगाने वाला यहाँ पर, लेट्स गो। दो योगा मैट लग चुके हैं गाइस यार। ये जो ये होने वाला है सारा का सारा कार्डियो वाला मैं बनाने वाला हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे ये सारा का सारा सामान हो चुका है, अबे यार ये सारा का सारा खाली हो चुका है, लेट्स गो। इसको फिल कर देते हैं दोबारा से, भाई काम अपना बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाला है, लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पे कुछ नए बंदे भी अपने जिम के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, लेट्स गो। इसको स्टैंडर्ड वाली मेंबरशिप दे देते हैं ऑलरेडी, प्लस स्टैंडर्ड मेंबरशिप तो मैंने इसको दे दी है। मेरे पास अभी हो चुके $8,000, ठीक है। काम करते हैं, मेरे को अभी शॉप में जाना है और मेरे को खरीदना है ये वाली साइकिलिंग वाली मशीन। 1, 2, 3 और खरीद लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे को चाहिए योगा मैट्स, 1, 2, 3, 4 चार खरीद लेते हैं, ठीक है। 6 योगा मैट तो होने ही चाहिए, लेट्स गो। 3 मैंने ये खरीद लिया, एक काम करते हैं इनको यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लगाते इधर, ठीक है। ये लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 1, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 लेट्स गो यार। फिलहाल मैंने यहाँ पे साइकिलिंग वाले सारे के सारे लगा दिए और मेरे को भी यहाँ पे लगाने ये योगा मैट जो कि मैं ज्यादा से ज्यादा लगाने वाला। लेट्स गो, इसको लगाते इधर और इसको यहाँ पे करके लगाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे करके लगाते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले ना ये वाला योगा मैट हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये मेन सेंटर वाला हटाना है यार, सेंटर में ये लड़की आगे ये कर रही है यार हरकतें। ओके फिलहाल रुको यार जरा, और कुछ मेंबर तो आए नहीं है, एक काम करता हूँ ये सेंटर वाला हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसको इसको इन्वेंट्री में डालो क्या, इसको पहले हटाओ, सारे के सारे डालो इन्वेंट्री में। लेट्स गो, ये भी हटा लो, लेट्स गो, लेट्स गो यार। फिलहाल मैंने यहाँ पे सारे के सारे योगा मैट अपने 6 के 6 लगा दिए और फिलहाल यहाँ पे सफाई वगैरह अपने बंदे यहाँ पे करते जा रहे हैं। और यार मेरे पास ना अभी $2,000 है ओनली, और मेरे पास पैसे तो बहुत ज्यादा कम है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक ये वाली मशीन खरीद लेता हूँ साइकिलिंग वाली, और तो कुछ यहाँ पे खरीदने लायक है नहीं। मेरे को ना ये वाले डंबल सेट बाय करने जो कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, और मेरे को ना ऐड लगवानी होगी यार जिससे कि बंदे ज्यादा से ज्यादा आए। वैसे भी रात हो रही है इसलिए अभी मैं ऐड लगाने नहीं वाला, क्योंकि अभी ऐड लगाने का कोई फायदा भी नहीं है ऑलरेड। मेरे को यहाँ पे साइकिलिंग की एक मशीन लगानी है, लेट्स गो। इसको लगा देते हैं यहाँ पर, लेट्स गो, लेट्स गो यार। फिलहाल मेरे को अभी एक ही साइकिलिंग की मशीन इस साइड पे लाके लगानी है। भाई साइकिलिंग की मशीन और ये वाले ट्रेडमिल बहुत ज्यादा हो चुके, कितने हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो चुके। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके, ट्रेडमिल 8 है और 10 साइकिलिंग की मशीन है हमारे पास। और फिलहाल यहाँ पे बंदे हैं, मैडम कहाँ चली गई, अबे रुके जरा, इसको कुक करके देना पड़ेगा, रुको जरा, यहाँ पे उठाओ इसको, इसके अंदर रखो। ऑलराइट लेट्स गो यारो। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, अपने जिम के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि जिम में मेरे को ज्यादा से ज्यादा मशीन लाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए रहेंगे। मेरे पास अभी सिर्फ $500 है, ऑलराइट थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेट्स गो। 2000 years later लेट्स गो यारो। गेम में बहुत ज्यादा देर तक ग्राइंड करने के बाद अभी मेरे पास फाइनली हो चुके हैं पूरे $1,00,000 हो गए। फिलहाल देखो बहुत ज्यादा इसके लिए मेरे को काम करना पड़ा, इसलिए यार जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं लाइक मार दो जल्दी से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब मार दो भाई, पूरी ना एकदम मेहनत से भाई पसीनों पसीने होगा मैं, ठीक है ना। ओके फिलहाल लेट्स गो, एक काम करते हैं जल्दी गए सर अपने ना इस पुराने से जिम को अपग्रेड करके एकदम मॉडर्न जिम बना देते हैं। ऑलरेडी गए सर एक काम करते हैं, अभी चलते हैं सीधा जिम वाले मेन्यू में। ऑलरेडी फिलहाल मेरे को यहाँ से जिम की जो रूफ है वो चेंज करनी है, लेट्स गो। मॉडर्न सीलिंग में यहाँ पे लगाने वाला ये वाली, लेट्स गो, ₹10,000 की है, लेट्स गो। ये वाली लगा देते हैं और हाँ ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। ये अप्लाइड हो रखी है ऑलरेडी। फिलहाल अभी मेरे को यहाँ से मेन जो एंट्रेंस है जिम की वो भी चेंज करनी है, वो मैं लगाने वाला ये वाली। भाई पूरे 10,000 की चेंज होने वाले गए। फिलहाल रूफ तो बहुत मस्त लग चुकी है अपने जिम की, और इस साइड की रूफ मेरे को चेंज कैसे करूँ यार, ये वाली रूफ चेंज नहीं हुई यार, ये तो गलत बात है भाई। ओके फिलहाल लेट्स गो, अभी हमारे जिम में कुछ और नए मेंबर्स भी आ रहे हैं, इनको सबसे पहले मेंबरशिप दे देते हैं। गाइस यार मेरे पास अभी $85,000 और हैं,
और मेरे जिम के अंदर आई थिंक सो अभी 100 से अबव मेंबर्स तो जहां तक लगता है हो चुके होंगे ऑलरेडी। लाइन एक बार देख लेते हैं गाइस, अपने जिम के अंदर 119 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल। और अभी मेरे को मेन काम करना है, मेरे को शॉप में जाने का, और इधर मेरे को टाइल्स में जाके ये टाइल्स खरीदने, ठीक है लेट्स गो। तीन मैं खरीदने वाला हूं क्योंकि एक में 100 पीस होते हैं, लेट्स गो। इस साइड पे चल के इनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं ऑलरेडी। फिलहाल मेरे को जाना है टाइल्स में, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से लगाऊंगा मैं, लेट्स गो। इधर क्लिक करो और लेट्स गो, एकदम दूसरे कॉर्नर में खींच के ले जाऊंगा भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये लग चुके हैं यहाँ पे पूरी की पूरी टाइल्स का सर, टाइल्स हमें पूरी पूरी फिल हो चुकी है। और अभी मेरे पास कितनी टाइल्स बची है एक बार मैं देख लेता हूँ, मेरे पास अभी 108 टाइल्स का सर और बची हुई है। एक काम करते हैं अभी सबसे पहले सर, ये चीजें तो अपनी अपग्रेड वगैरह हो चुकी है, ठीक है मेरे को अभी जाना है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ नए बंदे तो नहीं आ रहे ना? नए बंदे नहीं आ रहे भाई। एक तो यार ज्यादा जो बंदे हो जाते हैं जब, तब बदबू यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है, ये देखो भाई इतना भाई गंद फैला रखा तुम लोगों ने, ये लो है? ठीक है ना, लेट्स गो। अभी गाइस सर मेरे को अपने जिम के लिए कोई नई ज्यादा से ज्यादा महंगी महंगी इक्विपमेंट्स यहाँ से बाय करनी होगी, लेट्स गो। इक्विपमेंट्स में चलते हैं, और मेरे को बाय करनी ये वाली दो मशीन्स, और साइकिलिंग वाली एक मशीन बाय करनी है, ये वाली एक दो तीन चार ये वाली बाय कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे को डंबल सेट दो बाय करने हैं, ये वाले भी दो बाय कर लेते हैं, और ये एक दो, ठीक है दो ये भी बाय कर लेते हैं। और गाइस सर देखो फिलहाल अभी मैंने बहुत सारी मशीन्स तो यहाँ पे बाय कर लिया, और जगह हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया बंदा आ चुका है, नए बंदे आ चुके हैं, एक नहीं यो दो दो बंदे आ चुके हैं। एंड लेट्स गो गाइस, फिलहाल 1 2 3 4 5 मशीन मैंने ये वाली यहाँ पे लगा दी है। अभी मेरे को लगानी यहाँ पे साइकिलिंग वाली मशीन, ये रही साइकिलिंग वाली, इसको एक को लगाता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत साइड में करके, लेट्स गो। साइकिलिंग वाली मशीन यहाँ पे लग चुके हैं, 11 मशीन साइकिलिंग वाली हो चुकी है। और मेरे पास कौन कौन सी मशीन है, और मेरे पास दो डंबल के सेट हैं, अरे कहाँ गए, लेट्स गो। डंबल का सेट लगाने वाला मैं इस साइड पे, इसके बाजू में करके लगा देते एकदम, ओके सीधा कर जाओ, लेट्स गो। सीधा करके इसको लगाते हैं यहाँ पे एक, और इसी के बाजू में, लेट्स गो यार। तो फिलहाल मैंने ये सारी मशीन तो इस साइड पे लगा दी है। तो कहते फिलहाल अभी गाइस सर जिम के बंद होने का भी वैसे टाइम हो चुका है, एक काम करता हूं सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई वगैरह कर देता हूं, जो कि गंदगी यहाँ पे दिख रही है ऑलरेडी। फिलहाल गाइस सर देखो मेरे को भी ना यहाँ पे काफी सारी मशीन्स वगैरह खरीद के लगानी होगी, और मैं सोच रहा हूँ कि साइकिलिंग वाला यहीं पे रहने देते या फिर यहाँ से चेंज कर दूंगा इसकी पोजीशन ऑलरेडी। फिलहाल यहाँ पे पसीना वगैरह लोगों को काफी सारा आ रखा था ऑलरेडी। गाइस इस तरह पे मेरे को ना कुछ नए वार्डरोब्स वगैरह लगाने होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने चेंजिंग वाले तो लगा दिए, और मेरे को लॉकर्स वगैरह लगाने हैं यहाँ पे, बाथ वाले भी लगाने होंगे इस साइड पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं अभी फिलहाल इस साइड से बाहर निकल लेते हैं, और कैसे मेरे को ये वाली मशीन्स भी यहाँ पे लाके काफी सारी लगानी होगी। एक काम करते हैं सबसे पहले अपनी ये वाली जो मशीन्स है ना, ये बेंच प्रेस की, इनको उठा लेते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, उठ जा भाई, ओके लेट्स गो। एंड द लास्ट वन, लेट्स गो ये वाली सारी मशीन में उठा के लगाने वाला इस साइड पे, ठीक है इसको उठा लेते हैं ये वाली। अरे एक सेकेंड, ये सस्ती वाली है गाइस सर, एक बीच में से सस्ती वाली है, रुको मैं ये वाली नहीं लगाने वाला, ओके सबसे पहले ये वाली लगाते हैं, इसको घुमा के लगाने वाला हूँ इस साइड पे। ऑलराइट लेट्स गो, इसको लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है लेट्स गो। एक लग गई, और इसी के साथ में दूसरी वाली, लेट्स गो ये वाली यहाँ पर, और थोड़ा स्पेस दे के लेट्स गो यार। तो फिलहाल मैंने तीन बेंच प्रेस की मशीन तो यहाँ पे लगा दी है, और उससे पहले ना एक काम करते हैं, ये जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा वाली है ना, इसको चल के यहाँ पे बेच के आ जाते हैं, देखते हैं कितने की बिकती है। ये थोड़ी सस्ती वाली है, लेट्स गो। यहाँ पे ये $900 की बिक्री है, जो कि काफी ज्यादा सही प्राइस है ऑलरेडी। फिलहाल अभी मेरे पास $56,000 है, और इसमें मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले ना कुछ नया नया सामान वगैरह खरीद लेता हूँ। एक काम करता हूँ, अरे मैक्स तू भी उठ जा, ठीक है, और यहाँ से मेरे को खरीदना है कुछ नया सामान, ओके लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पे पांच बेंच प्रेस की मशीन मैंने लगा दी है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो बेंच प्रेस की मशीन है ना, इसी के सामने की तरफ करके यहाँ पे लगा देते, ठीक है यहाँ पे निकलने का रास्ता हो जाएगा एक साइड से, लेट्स गो। एक मशीन लगाने वाला मैं इस साइड पे, लेट्स गो। फिलहाल गाइस यार ये सारी की सारी बेंच प्रेस की मशीन यहाँ पे लग चुकी है, और यहाँ पे निकलने का रास्ता भी हो चुका है। और ये वाली जो मशीन है ना, इसको मैं एक काम करता, ये वाली मशीन अभी यहाँ से हटा देता, और ये थोड़ी बहुत मशीन के लिए जगह मेरे को अलग से बनानी होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये वाली मशीन से यहाँ से हटाओ, ठीक है लेट्स गो। अरे नहीं वैसे ये वाली, एक काम करता हूँ, ये वाली जो मशीन है ना, इनको इस साइड पे लगाते, ठीक है। ये वाली मशीन है, इनको मैं लगाने वाला इस साइड पे। लैट पुल डाउन की मशीन है ना, ये लैट पुल डाउन की मशीन है, इनको इस साइड पे लगाते, ठीक है। एक यहाँ पे लग चुकी है, इसी के बाजू में एक और, लेट्स गो यार। फिलहाल मैंने यहाँ पे लैट पुल डाउन की सारी मशीन इस साइड पे लगा दी है ऑलरेडी। ये एरिया हमारा होने वाला लैट पुल डाउन का, और इस साइड पे हमारे डंबल सेट हो चुके हैं। और ये जो मशीन है ना, इनको मैं उठा सबसे पहले, ठीक है, इनको उठा के मैं लगाने वाला हूँ इस साइड पे, ठीक है। इनको इस साइड पे लगाते हैं ऑलरेडी। फिलहाल मेरे को बिल्ड करना है ये वाली मशीन, यहाँ पे लगाने वाला मैं ऑलरेडी, लेट्स गो। फिलहाल ये चेस्ट प्लेट की मशीन यहाँ पे लग चुकी है, चेस्ट वाली, और इसके साथ में यहाँ पे डंबल वाले करेंगे एक साइड, और इस साइड से ये वाले करेंगे। और गाइस सर ये देखो, यहाँ पे साइकिलिंग का एरिया भी काफी सारा हो चुका है। और गाइस सर फिलहाल
हमारा जिम जो है ना वो बहुत ज्यादा भर चुका है और यहाँ पे काफी सारी स्पेस है। ये सारा कार्डियो का एरिया हो जाएगा और ये तो वैसे बैक की मशीन है लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है लेट्स गो। फिलहाल एक बार ना इस साइड पे चल के देख लेते हैं। मेरे को जो मेन चीज अभी रखनी है ना वो एक मिनट, यहाँ पे जो बंदे मेंबरशिप लेना है इनको मेंबरशिप दे देते हैं। लो वाली चाहिए इसको, ये ले लो वाली। अभी हमारा जो जिम है ना वो फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अभी हमको किसी भी चीज की कमी तो है नहीं। ऑलराइट तो चलो यार गाइस, फिलहाल आज की सारी वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को आज का वाला एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना और मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताना कि तुम में से कौन कौन जिम जाता है और ऐसा जिम कहाँ देखा है तुम लोगों ने जिसमें वाइटामिन बार है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है वैसे देखा तो कहीं नहीं होगा। बाय द वे मेरे को कमेंट में जाकर बताना कि कौन कौन जिम जाता है। तो चलो गाइस यार आज की सारी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।